213 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 19 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है अब वो बढ़कर 111,252 के पास पहुंच चुकी है और मरीजों की मौत का आंकड़ा 29 सामने आया है। तो कोविड के मामले एक बार फिर से 24 घंटे में 8,800 के पार नजर आए हैं। 24 घंटे में 29 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अगर देखी जाए तो 111,252 या एक्टिव मरीजों की संख्या जो कि 1,00,000 से ज्यादा 111,252 के पास है। 29 मरीजों ने 24 घंटे में दम तोड़ा है। और स्वाति हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,00,000 को पार कर चुकी, फिर से मामले बढ़ने लग गए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों को अगर हम देखते हैं तो देश में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्टिव मरीजों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो देश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। वहीं 29 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो जो बढ़ते हुए मामलों को लेकर जो अलग अलग राज्यों में एक बार फिर से बात को लेकर जो है वो सक्रियता बढ़ा दी गई है कि किस तरह से लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें जिससे जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें कमी आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर 24 घंटे में देश के कोरोना के 29 मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। इसी के साथ 8,813 मामले जो हैं वो नए सामने आए हैं। 24 घंटे में ये आंकड़ा मिला है। और अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा देखें तो 111,000 के पार जा चुका है। यानी कि रोजाना अगर आंकड़े देखें तो बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या देश भर में बेहद कम हो गई थी पिछले कुछ महीनों पहले, अब वो एक बार फिर से उछाल पर है। यानी कि मामले एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गए हैं। और यकीनन ये खतरे की बात है और लोगों को सोचना होगा कि अभी भी जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन सबको एहतियात बरतना होगा। कोविड के मामले एक बार फिर से देश भर में सामने आने लग गए हैं। 8,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो 24 घंटे में नए कोरोना के सामने आए हैं। और इसी के साथ 29 लोगों ने 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। 111,252 एक्टिव मरीज हो चुके हैं देश भर में। तो 8,813 हुई यहाँ पर मरीजों की नई संख्या कोविड के 24 घंटे में जो सामने आए हैं।